हेलो एवरीवन। सो आई होप सो कि आप सबकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा शानदार तरीके से चल रही होगी। गाइज, आप सबको पता है कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है तो आपको गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा। आप लोगों के लिए जो भी अपॉर्चुनिटी आती है आप उसमें ट्राई करेंगे, उसमें अप्लाई करेंगे और उसमें एफर्ट्स डालेंगे, चाहे उसमें कितनी भी वैकेंसी है, क्योंकि आपको एक सीट से मतलब होना चाहिए। और गाइज, आप लोगों को वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई भी ऐसी अपडेट है जो आपके करियर को बिल्ड कर सकती है, मैं गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर लेकर आप लोगों के लिए आता रहता हूँ। और वो सारी की सारी वीडियोस को अगर आप देख रहे हो तो आपकी कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगी। सो गाइज, यहाँ पे अगर आपको मैं बता दूँ तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पर एक वैकेंसीज आई हुई है प्रोजेक्ट इंजीनियर के बारे में, और 3 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया था। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो वैकेंसी है ये किस तरीके की वैकेंसी रहने वाली है। सबसे पहले अगर हम बात करें, प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी है बी बी टेक बी एस सी 4 ईयर ऑफ इंजीनियरिंग वाला होना चाहिए। किस किस ब्रांच में? इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, टेली कम्युनिकेशन में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन में होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन मैकेनिकल कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सारी ब्रांच के जो बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल है प्रोजेक्ट इंजीनियर की वैकेंसी। अगर आपने इन सब में बीटेक कर रखी है तो आप डेफिनेटली इन सब में एलिजिबल हो जाते हो। इसमें कितनी वैकेंसी निकली हुई है अगर आप यहां पे देखोगे तो ये जो कैटेगरी है इसमें 52 वैकेंसी निकली हुई है। विशाखापट्टनम जॉब लोकेशन रहेगा आपका फाइनल। और यहां पे अगर आप न्यू दिल्ली लोकेशन को देखो तो यहां पे न्यू दिल्ली, गाजियाबाद और बेंगलुरु के अंदर आपकी ऑलमोस्ट 58 वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो दो डिफरेंट जॉब लोकेशन है जिसमें अलग अलग वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही है। यहाँ पे जितने भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज 32 ईयर यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे आपको रिलेक्शन भी दिए हुए हैं, अगर आप देखोगे कि अगर आप किसी इस कैटेगरी में से बिलोंग करते हो तो आपको रिलेक्शन भी यहाँ पे प्रोवाइडेड है। अब यहाँ पे क्या ये सर जॉब परमानेंट है? तो मैं आपको बता दूं कि ये जो वाईजेक की लोकेशन है 52 पोस्ट, इसका ड्यूरेशन 2 ईयर रहने वाला है। और ये पेड आपको सैलरी, अब रिन्यूमरेशन आप बोल सकते हैं, रिम्यूनरेशन जो आपको है 40,000 से लेके 45,000 तक मिलेगा। फर्स्ट ईयर में आपको 40,000 पर मंथ के हिसाब से मिलेगा। सेकेंड ईयर में अगर आप देखोगे तो 45,000 पर मंथ के हिसाब से आपको मिलने वाला है। न्यू दिल्ली वाली अगर आप पोस्ट देखोगे ये टोटल 4 ईयर ड्यूरेशन की है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखोगे न्यू दिल्ली गाजियाबाद बेंगलुरु लोकेशन, तो इनिशियल ड्यूरेशन 3 ईयर रहेगी और उसको 1 साल और भी बढ़ाया जा सकता है, मतलब 4 ईयर के लिए ही आपका जॉब रहेगा। और यहाँ पे अगर आप देखोगे जो आपकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से आपको 4th ईयर में एक्सटेंड मिलेगा। इसके में जो सैलरी आपका रहने वाला है वो देखो 40,000 45,000 50,000 रहने वाला है। और ये फर्स्ट ईयर में 40,000 रहेगा, सेकेंड ईयर में 45,000 रहेगा, थर्ड ईयर में 50,000 रहेगा। और अगर आप 4th ईयर में एक्सटेंड हो जाता है तो उसके इसमें आपकी सैलरी 55,000 पर मंथ रहने वाली है। इसके बाद भी अगर आप देखोगे इन्होंने और भी बोला है कि अगर आपको ट्रेनी इंजीनियर इन बीएल में जाना है तो उसके केस में भी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने 3 ईयर का कंप्लीट कर लिया, आपका इंटरेस्ट है कि मुझे जॉब लेनी है उसी बीएल के अंदर जॉब लेनी है, तो उस केस में आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप ट्रेनी इंजीनियर इन बीएल एंड प्रोजेक्ट इंजीनियर उसमें भी आप डायरेक्टली इंडक्ट कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इस एक्सपीरियंस को यूज़ करके। यहाँ पर अगर आप क्वालिफिकेशन देखोगे इन्होंने क्लियरली मैंशन किया है आपका जो बीटेक है वो उसमें मार्क्स जो है 55% से अबव होने चाहिए। और आप अगर इन सब में हो तो अगर आप पास भी हो तो भी आपका काम चलेगा। पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस अगर आप यहां पे देखोगे तो मिनिमम 2 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस होना चाहिए, सॉफ्टवेयर डोमेन मेनली एक्सपीरियंस इन सॉफ्टवेयर डेवलपर यूजिंग एनी वन और मोर द फॉलोइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहां पे अगर आप देखोगे, देखो अगर आपको सी सी प्लस प्लस जावा वेब टेक्नोलॉजी और इन सब में से सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इन सब का एक्सपीरियंस है तो डेफिनेटली आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर इन इस पर्टिकुलर फील्ड में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जनरली कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो मैंने देखा है कि बीटेक में उनका प्लेसमेंट हो जाता है किसी ना किसी आईटी कंपनी में और बाद में उनका मन करता है कि सर मुझे थोड़ा टेक्निकल शिफ्ट में जाना है, और उस केस में वो गवर्नमेंट जॉब को देखते हैं। या फिर हो सकता है कि वो किसी आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि सर मुझे आईटी सेक्टर के साथ गेट की प्रिपरेशन भी करनी है, तो वो उनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है वर्किंग आवर्स के हिसाब से। लेकिन अगर आप बीएल में जाके ऐसा कुछ करना चाहते हो तो आपके लिए चांसेस रहेगा क्योंकि आप ऑलरेडी आईटी सेक्टर में एक्सपीरियंस ले चुके हैं 1-2 साल का। उस एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करके आप डेफिनेटली क्या कर सकते हैं कि इसमें जॉब ले सकते हैं और पैरेलली आप तैयारी भी कर सकते हैं। ठीक है,
इसमें आपको देखो जो भी है वो सारे के सारे जो स्टूडेंट है जिनका इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, उन्हीं को अप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। और देखिए मोड ऑफ एप्लीकेशन जो रहेगा आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने, वॉक इन सेक्शन होने वाला है, 3 सेंटर रहेंगे इन्होंने बोला है, जम्मू, रांची एंड गुवाहाटी, इन सब आप सेंटर में जा सकते हो। इनमें सारी की सारी लोकेशन की चीज़ें लिखी हुई है। रजिस्टर करने के लिए ये गूगल फॉर्म दिया हुआ है, तो ये मैं आपको नोटिफिकेशन जो है ये शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ पर जाके आप इस लिंक पर क्लिक करोगे तो यहाँ से आप रजिस्टर कर सकते हो। देखो गाइज ऐसा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि जितने भी नोटिफिकेशन आए उसमें आप एलिजिबल हो। कई बार बच्चे जो होते हैं वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, सर इस वैकेंसी में तो हम है ही नहीं, इस वैकेंसी में तो सर फ्रेशर नहीं है। तो देखो यार आपको राइट टाइम का वेट करना है, एज ए टीचर हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप सबको पता ही है कि थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स जो है हमें फॉलो करते हैं। तो कई बच्चे ऐसे होंगे जो एक्सपीरियंस रखते होंगे, कई बच्चे ऐसे होंगे जो फ्रेशर होंगे, तो इस वजह से हमें सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है उनको कवर करना पड़ता है, जिससे किसी भी एक सिंगल बच्चे की अपॉर्चुनिटी मिस ना हो। तो आप अपने जो नोटिफिकेशन है उसका वेट करो, जब कोई जिस तरीके से ये नोटिफिकेशन किसी बच्चे के लिए आ रहे हैं आपके लिए भी कोई नोटिफिकेशन आएगा, आप उसमें अपने आप को अप्लाई करिएगा, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे सारे के सारे प्रोसेस आप देख सकते हो, ऑनलाइन अप्लीकेशन करने के बाद क्या रहेगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट रखने हैं, तो आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा एज सुन एज पॉसिबल इस नोटिफिकेशन में। आगे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।